इस न्यूज के प्रायोजक हैं वंश फिटनेस सेंटर, कादरी हॉस्पिटल, नई जिंदगी रोड, सोलापुर। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर याली संगठन की ओर से सोलापुर शहर न्यू बापूजी नगर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस समय आमदार परिणीताई शिंदे, हाईकोर्ट के वकील ताहिर खान पठान साहब, माजी नगर सेवक तौफीक पहलवान, आज़ादी बचाओ न्यूज नेटवर्क के संपादक हाजी अजीज पटेल, राज पठान, जमीयत उलमा के सदस्य, संगठना के अध्यक्ष दौलाभाई शेख, गौस मुजावर, आजम शेख, सुल्तान सैयद, साकिब शेख, संगठना के सदस्य व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संघटने तर्फे आज 26 जानेवारी शुभ मुहूर्ता रक्तदान शिबिर आयोजन कर ज्येष्ठ समाजसेवक नेते पहलवान साहब उपस्थित है। रक्तदान हे एक सर्वश्रेष्ठ दान है, कुणाचं आयुष्य वाचवणे हे सर्वात मोठी माणुसकी आहे। त्या अनुषंगाने आज तरुण पोरांनी स्वस्फूर्तपणे स्वेच्छेने रक्तदानाचं हे पवित्र कार्य पार पाडलेलं आहे, याच्यासाठी या अनुषंगाने माझी शुभेच्छा आहे सर्वांना। आज बापूजी नगर में या अली बहुत दिशीय सामाजिक संगठना की जानिब से आज 26 जनवरी प्रजातंत्र दिन के मौके पर आज यहाँ पर महबूब दौला, राज पठान, उनके सभी अमर पटेल साहब, उनके सभी ग्रुप की जानिब से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इसमें मौजूद हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब त्यौहार खान साहब, हिंदू सुबित तुंडकर, राज पठान, डॉक्टर अब्दुल शेख, अजीज पटेल साहब और जमीयत उलमा, इनके सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, वकील साहब ने बताया कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, ब्लड की अहमियत जो है बहुत कीमती होती है और ये किसी फैक्ट्री में किसी दुकान में नहीं मिलता। ये अपने जिस्म से जो रक्तदान जो करने वाले लोग है, जो नौजवान साथी हमारे, वो किसी की जान बचाने का, सवाब कमाने का, नेकी कमाने का जो काम करते हैं वो तारीफ काबिल है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है इसी तरह सोलापुर शहर में अमन अमान, सुकून, शांति रहे और हमारी कौम में और जिसे दौला सर के लोग जो एक सामाजिक खिदमत को अंजाम देते हैं उसी तरह ये काम बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा जमीयत उलमा हिंद सोलापुर शहर हो, जिला हो, महाराष्ट्र राज्य हो, पूरा हिंदुस्तान, भारत देश रहते यहाँ पर जमीयत का काम वो तारीफ काबिल है। जमीयत का जो काम है दिखावा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो मजलूम है, मासूम है, जिस पर जुल्म ज्यादती होती है, ना इंसाफी होती है, उसके हक के लिए ये जमीयत उलमा की पूरी टीम काम करती है और वो आखिरत का सोच कर काम करते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि हम जमीयत उलमा के लोग हम पुलिस डिपार्टमेंट के सामने बुरे होंगे, दूसरे समाज के सामने बुरे होंगे, ये कतई नहीं सोचते। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को डर कर हक का, सच्चाई का साथ देने का काम ये जमीयत उलमा करती है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है सोलापुर शहर जिले के तमाम जो मजलूम लोग हैं, मासूम लोग हैं, जमीयत उलमा के जो सदर हैं हमारे इब्राहिम मौलाना साहब, महाराष्ट्र के सदर, भारत देश के सदर, इनके हक में दुआ करते रहना हमेशा, क्योंकि जमीयत उलमा अच्छा काम करते हैं। और जो हमारे दूसरे जो मुस्लिम समाज के कौम के लोग इनसे जुड़ना, और जो ये लोग तो पूरा अच्छा काम करते हैं लेकिन हर गली मोहल्ले तक, हर पब्लिक तक, नागरिक तक ये मैसेज जाना कि जमीयत उलमा का काम क्या है, वो अच्छा काम करते हैं, लोगों के जो खिदमत का काम करते हैं। इसी तरह मैं फिर से एक बार जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह हमारे जो साथी है दौला भाई, राज पठान, बापूजी नगर से भी नौजवान साथी, जो हमारे मोहम्मद अली मोदी समाज संस्था के सभी जो पदाधिकारी हैं, उनकी टीम है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं हमारे वकील साहब को बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज कौम हमेशा से भारत देश की वफादार है, वफादार रही है, लेकिन हमें बार बार सबूत देना पड़ता है कि हम भारत देश के वफादार हैं वकील साहब। लेकिन हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम यही सिखाता है हम जिस मिट्टी में जो पैदा हुए न्यूज भाई, हमें उसे वफादारी करना चाहिए, रहना चाहिए। बस इतना कहता हूँ, ज़्यादा आपको वक्त नहीं लूँगा। और वकील साहब हमारे सोलापुर शहर में आए और इंशाल्लाह आज शाम में, कल है ना, आज शाम में बाद बीजापुर बेस में संविधान क्या है, संविधान में
जो भारत देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को हक है, ये हमारे एडवोकेट तैवर खान साहब उनके स्पीच में भाषण में कि लोगों को बताएंगे कि संविधान क्या है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा है संविधान, तो उसमें हर जो भारत देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को हक है कि समान नागरिक कायदा बोलो, हक बोलो, सबको एक है। बस इतना कहता हूँ।